ब्रेक के बाद खबर देहरादून से, जहां पर रिस्पना के किनारे बसे अवैध घरों पर एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन की टीम अवैध घरों को तोड़ रही है। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों के 525 घरों को तोड़ने का ये काम शुरू कर दिया है। बुलडोजर चलाया जा रहा है। नोटिस पूर्व में जारी किया गया था इन्हें, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद की जा रही है। जब नोटिस इन अवैध मकान धारकों को किया गया जारी और जब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 525 वो मकान हैं जो 27 बस्तियों में शामिल हैं, और उनके ऊपर यानी कि अवैध निर्माण के ऊपर जो प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है।